बैठा बैठा पकड़ लेते हैं इसको। ये बात चंद दिनों पहले कांगड़ा की है। अभिषेक जी ने इस बैल को देखा, ये बड़ा ही शांत बैठा हुआ था। उन्होंने देखा इसको चोट लगी है, उन्होंने हमें फोन किया। जब हम इसको लेने गए तो वहां जाके पता लगा कि ये कितना खतरनाक है। अब हमारी टीम के जो साहिल और गौरव वहां पे गए हुए थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के इसको बचाने के लिए इसको पकड़ा। भैया पकड़िए पकड़िए, रस्सी पकड़िए। अब एक मजे की बात ये है कि देखिए, ये लोग भी उसी गांव से ही है ना, जिस गांव में लोग बूढ़ी गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं, बेकार बैल को सड़क पे छोड़ देते हैं। पर ये लोग एक बात समझ चुके हैं कि किसी और का दर्द इनकी जरूरतों से ऊपर है, और जो लोग गाय बैल को छोड़ रहे हैं वो अपनी जरूरतों को किसी के दर्द से ऊपर रख रहे हैं। अब इसको पकड़ने के लिए हमें इतने तिकड़म लड़ाने पड़े थे कि इसका नाम आते ही हमने तिकड़म ही रख दिया। अब दुख की बात यह है कि जब ये आया ना, तो इसको तो नहीं पता कि हम डेयरी वाले या बूचड़ खाने वाले नहीं है जो इसको मारने के लिए यहाँ पे लाए हैं, हम तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। अब लोग हमें कहते हैं कि भाई देखो, वैसे भी लाखों बैल सड़क पे बेकार होके आ ही रहे हैं, उसमें से कुछ कट जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो तुम उस एक को बचा के क्या कर लोगे। मैं कहता हूँ कि जी, मैं मानता हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें तो दर्द बढ़ ही रहा है, पर इस एक बैल को बचाने से इस एक बैल का दर्द तो कम हो गया ना, और अगर हम ये भी ना करें तो जितना दर्द है तो वो लाख प्लस वन हो जाएगा। अब एक तो मैं वैसे हिंदी बोलता हूँ, खासकर जब मैं गाय बैल के लिए आवाज उठाता हूँ ना, तो लोग मुझे सीधा राइट विंग और हिंदू बताते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ की बात है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप कुत्तों के लिए आवाज उठाते हैं तो आप लेफ्ट विंग हो गए, और मैं गाय बैल की बात करता हूँ तो मैं राइट विंग हो गया। बात लेफ्ट विंग या राइट विंग की नहीं है, बात धर्म की भी नहीं है। ठीक है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं हूँ हिंदू, पर आप कोई और धर्म उठा के देख लीजिए जिसमें जानवर खाना मना नहीं है, उसमें भी खासकर हिदायत है कि जानवर को ऐसे ना मारे कि वो डर जाए, जानवर को ऐसे ना मारे कि उसको दर्द हो। तो बात इंसानियत की है, और अगर हम इंसानियत की बात करें तो देखिए ना, हमें नहीं फर्क पड़ता कि बैल है या कुत्ता है या मुर्गा है, हम तो हर किसी का दर्द कम करना चाहते हैं। अभी आई थिंक ये लोग इसको पीछे लेके जाएंगे, तेंदन जाएगा साथ में शूट करेगा। जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी यहीं रखेंगे क्लिनिक में, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन कराना होगा, सेटल हो जाए एक बार, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन किससे? उन्हीं से। अच्छा, किटकिट को अनुपमा जी ने स्लॉटर हाउस से रेस्क्यू किया था, उन्होंने हमें कॉल किया और हम उसे यहाँ लेकर आए। फार्म में ऑलरेडी अमर अकबर और एंथनी थे ही, तो हमने सोचा कि क्यों ना किटकिट की इन तीनों से दोस्ती करा दी जाए, तो हमने नेक्स्ट डे इन सभी का इंट्रोडक्शन कराने का प्लान किया। वो केज यहाँ शिफ्ट कर दें इसके ऊपर, शायद चांसेस है कि ये लोग एक दूसरे को देख के फ्रेंडली हो जाए। किटकिट को तो इन तीनों ने अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे। 10 महीने पहले से मैं इस हॉर्स को देख रहा हूँ, और इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, इसके लेग में प्रॉब्लम थी, और वहाँ के लोगों ने किसी ने हेल्प नहीं की, तो वो मेरे को गिल्ट होता था काफ़ी टाइम पहले। हमने इस खच्चर का नाम चंद्रकांत रखा। अब इस बेचारे को आर्थराइटिस है, और इसका हम इलाज तो नहीं कर सकते, पर ये मरते दम तक यहीं रहेगा और हम इसकी पेन मैनेजमेंट करते रहेंगे। पीपल फार्म जो फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फार्म, हाँ जी, तो वहाँ पे मैंने पोस्ट डाली थी। ओके। तो वहाँ से फिर एक मैम ने कंट्रीब्यूट किया इसमें, आरती नाम है थी। अब जो लोग ये समझते भी है ना कि जानवरों को भी हमारी तरह दर्द होता है, वो मायूस हो जाते हैं कि भाई हम खुद तो जरा से फ्लैट में रहते हैं, हम खच्चर कहाँ रखें और हम बैल कहाँ रखें और खुद कहाँ सोएं। तो देखिए, अगर आपको जानवरों का दर्द है ना, तो आप किसी भूखे जानवर के आगे खाने की प्लेट रख दें, दर्द तो उससे भी कम होगा। आप अपने खाने की प्लेट से किसी जानवर को हटा दें, दर्द तो उससे भी कम होगा। नहीं,